नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के मिटार पिकेट के समीप गुरुवार की सुबह जिला पुलिस व सीआरपीएफ के साथ उग्रवादी संगठन टीपीसी के साथ मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से कई राउंड गोली चली। बाद में पुलिस सीआरपीएफ को भारी पड़ता देख उग्रवादी जंगल का लाभ उठाकर भाग निकले। मौके से पुलिस ने एक एयर गन समेत कंबल, मोबाइल, टेंट के सामान सहित अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। मुठभेड़ में टीपीसी के टॉप कमांडर शशिकांत का दस्ता शामिल था। पलामू जिले के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मुठभेड़ करीब 15 से 20 मिनट तक हुई। इसके बाद उग्रवादी मौके से भाग खड़े हुए। मुठभेड़ में जिला पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ 134 बटालियन शामिल थी। घटना जिले के मनातू थाना क्षेत्र के मिटार पिकेट के समीप विश्राव जंगल में हुई है। पुलिस सीआरपीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि इस इलाके में टीएसपीसी के टॉप कमांडर शशिकांत का दस्ता देखा गया है। सूचना के बाद पुलिस उस इलाके में सर्च अभियान चला रही थी। इसी बीच पुलिस को देखकर उग्रवादियों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाब में जिला पुलिस और सीआरपीएफ 134 बटालियन के जवानों ने डटकर उनका मुकाबला किया और 15 से 20 मिनट की मुठभेड़ में ही उग्रवादियों को खदेड़ दिया। दोनों ओर से 60 से 70 राउंड गोली चली है। मौके से एक एयर गन समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस अभी भी उस इलाके में सर्च अभियान चला रही है। रात में सूचना मिली थी कि शशिकांत का दस्ता जो है वह मिटार से आगे बिसराव जंगल है, वहां पर कैंप कर रहा है। इस सूचना पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम गई थी, तो पुलिस टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से करीब 60-70 राउंड दोनों तरफ से अलग अलग गोलियां चली हैं और उसके बाद नक्सली जो है वो जंगल और घने अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए। जो मिला है सामान उसमें एक गन है जो संभवतः एयर गन है। इसके अलावे कैंप के बहुत सारे सामान हैं, जैसे त्रिपाल है, कंबल है, जूता है, इसके अलावे मोबाइल है, डायरी है, बहुत सारे सामान रिकवर हुए हैं जिसको जो है जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया है। वी टाइम न्यूज़ के लिए पलामू से चंद्रदेव प्रजापति की रिपोर्ट।